हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान स्वागत करते हैं अपने चैनल सुनील नगांती लाइव ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फुल वॉच करके वीडियो एंड तक देखें हम लोग। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं अभी डीजे, तो इसमें एक थोड़ा और दूर रखो बेटा थोड़ा। हाँ ठीक। हेलो दोस्तों, सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो आज है नेक्स्ट डे, अभी हम लोग सुबह सुबह क्या बना रहे हैं खाने में, क्या क्या काम करेंगे वो सब दिखेगा आपको वीडियो में। इधर देख सकते अभी हमारे सब्जी शुरू हो गए हैं। हाँ। दूसरा दिन है, एक दिन और निकल, नहीं दो तीन दिन हो गया, तीसरा दिन है। तीसरा दिन है? हाँ, तीसरा दिन। सास माँ आई थी, उसकी माँ थी, उसको पहले लौकी बतिया पकड़े। नहीं, ऐसा क्यों? ये की फल उसके बाद लाएंगे। चलिए अभी इधर देख सकते हैं अभी सुबह सुबह का मौसम, चारों बगल बदली छाया हुआ, हल्का हल्का हवा चल रहा है। अब बच्चे इधर रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। चलिए अभी लौकी दोस्तों, अभी तक एक फरा था खूब बड़ा सा, लेकिन बतिया नहीं पकड़ रहा है। उसके लिए जाकर वहाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो बताया था 20 रुपये लिए थे एक बिया का, दो बिया रोपे थे, एक तो बकरी ने काट दिया, इसी के बाद इसको गेड़े हैं। चलिए उनको बोलता हूँ, कोई इलाज होगा नहीं तो और भी लिया रोकेंगे। अभी नहाए नहीं है, अभी नहाएंगे फिर चल चढ़ाएंगे। इधर देख सकते हैं मकई कहाँ तक हमारा पहुँच गया, बड़े हो गए। आज खादर छींटेंगे, कल लिया लिए थे। देख सकते हैं कितना नमी की कमी है, खेतों में उतना पानी लगा था कल और रात भर में सूख गया। सबसे पहला काम ये करेंगे यहाँ पे ना, ईंट बिछाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं मिट्टी कितना गड्ढा हो गया बारिश में। अभी भी बारिश का मौसम है तो इसको पहले से बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ ना बारिश का जो पानी आ रहा है, ये देखिए कितना मिट्टी को गड्ढा कर दिया है। चलिए अभी इसको कैसे बनाते हैं वो सब पीछेगा, और इसको जो भी इसके किनारे का है थोड़ा गड्ढा कर लेते हैं। नकाती जी, चलिए ये वाला काम कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फाइनली इसका ये थोड़ा थोड़ा ना जहाँ धंसा था उसको निकाल दिया, क्योंकि इस पर ईंट बिछाना है। अब बड़े पापा बोले हैं कि ईंट बिछा दो सबसे बढ़िया रहेगा, आपका मिट्टी भी नहीं दहेगा और बारिश का पानी हल्का हल्का अगर जाता है तो मिट्टी को नहीं दबाएगा, और यहाँ जब ऊपर से गिरेगा ना तो ईंट पे गिरेगा तो खदड़ाएगा भी नहीं। चलिए इसको लाइन लेवल से करके कर दिया हूँ उसके लेवल का, और फिर ईंट बिछाएंगे साउल सुधा के साथ। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर कैसे मिट्टी खोल खोल के गड्ढा बना दिए हैं, वहाँ से यहाँ तक जो पानी गिरता है ना छत पर से, तो मिट्टी ज़्यादा ना खदरे इसकी वजह से। ईटा सुता में ईट बिछाएंगे ना तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा ना। साउल ले आना, तीछा है साउल का काला जी, ओरी को देखेंगे कहाँ पे आ रहा है।
कौन धर में जाए देखें उसमें यहाँ देखे तुलसी लगा दिए कितना अच्छा। तो अभी देख सकते क्योंकि बारिश का पानी आएगा तो थोड़ा अलग ही आता है ना। हाँ एकदम सिराई तो आएगा नहीं ना। ना ईटा लिया लिया के बैठा देने तब बिछाएंगे का से हम इतने थंबनेल में बनाए वीडियो एडिट करें 12 बज गए। अच्छा हमें लगा दी अपन तब वीडियो बंद रहा ला तो मैं लगा दी एथी में स्टैंडर में के मारवा नहीं हो गया अभी बना ले मैं तब दिखाऊंगा ठीक है। तो हमने तो वीडियो एडिट करा बच्चे स्कूल से आ गए अपने नहीं वो प्राइवेट में भी पढ़ता है। देख सकते हैं यहाँ तक लाए हैं वीडियो का कुल कुल के और माटी उठी करके अभी हम वीडियो अपलोड कर दी हूँ। बारिश आ रहा है ना तो बहुत कुछ इससे परेशानी हो जा रहा है तो बीच मार हो जा रहा है मिट्टी भी है ना। हाँ सबसे बड़ी बात ये है जो यहाँ पर मिट्टी खदड़ देता है अच्छा नहीं रहता है। चलिए पहले इसको मैं ईटा उधर से लेके आती हूँ जब तक हमारा वीडियो भी अपलोड हो जाएगा ये काम भी हो जाएगा अपलोड में लगा कर रख दी हूँ मोबाइल में। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर ईटा बिछाने के बाद डाल दिए सही है ना। गोबर और मिट्टी से लिपा है तब बढ़िया कौन दिन हटे आज भी हाँ लगा सकते हैं। मौसम देखिए कितना गर्म है इतना गर्मी हो रहा है। शाम रात को खुए जैसे उस दिन रात में इतना तेज से बारिश हुआ सुबह दरवाजा खोले आँख खोले काम करती है ना। जैसे आप दरवाजा खोलेगी जैसे लीक रहेगी ना मैंने थोड़ा बहुत तो कहेगा लेकिन जैसे ऊपर खबर हो जा रहा है वैसा नहीं होगा ना। तो ये देखा पूरा धान तो डूब ही रहा है ऐसे रात में भले भगवान बारिश बरसते दिन में आदमी सब काम करते बहुत अच्छा लग रहा। देख सकते हैं पानी वाला साफ है पानी में चल रहा है वो तो बारिश हुआ था आया है। देख सकते हैं अभी ना इसके किनारे किनारे थोड़ा मिट्टी डाल दे रहे हैं ईंट जाम हो जाएगा। आप कहाँ जा रही जी वाला खेत में खा रहे तो थोड़ा टाइम पास मत करिए नहीं तो बारिश आ जाएगा भीगते हुए आइएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे ये राम तुलसी नहीं है तो रामे तुलसी है कृष्ण तुलसी काला काला पता है इनके सफेद भी थोड़ा सा दिखाई देता है कैमरा। हाँ उनसे पूछे थे देख सकते हैं इसमें दिखेगा वो जो होता है एकदम वो आए थी हरा कलर का होता है इसमें काला नहीं दिखाई देते हैं तो कृष्ण तुलसी से। तो हाँ, पंडित जी यही बताए हैं तो यही आप लोग भी कमेंट कीजिए थोड़ा सा काला पता रहता है ना वो वाला। हाँ तो काला ही पता है पता काला काला है। अभी चलते हैं खेत में जाइए जब तक हम लोग इसमें मिट्टी डाल के झाड़ू मार दे हम लोग। अच्छा अच्छा ठीक है जाइए साफ सफाई ऐसे झाड़ू मार देंगे मत कहिए साफ सफाई कर दीजिएगा ऐसे बोलिए झाड़ू मार देंगे कई तरह का भाषा है दोस्तों क्या कर सकते निमन से जाइएगा जी। रहेगा नहीं क्योंकि इस पर ज़्यादा गिरता था पहले ही बताए थे और एकदम चिकन का चिकन दिख गया साफ सुथरा हो गया। यहाँ ईंट है और यहाँ बीच में वो बिछा देंगे कोई कुछ लिया के एक प्लास्टिक आता है गोल सा जो सही भी दिखे खूब सुंदर और मिट्टी मिट्टी यहाँ का रहेगा नहीं बड़े बड़े थे ईंट बिछा देना क्योंकि तोड़ना पड़ता बहुत टाइम लगता और फिर खींचका छोटा क्योंकि बारिश का मौसम है इसलिए मैं वो काम नहीं किया वही वाला बिछा दूंगा। तो बाकी ये हो गया एकदम यहाँ से रास्ता उधर प्रहरी में कभी कोई काम करने जाना हो यहाँ से सीधे बना दिया हूँ और इधर तो जब जरूरत पड़ता है और उधर के बारिश हो गई चलिए अभी इसको थोड़ा सा ये है सिलेप्सी के बारिश के पानी।
देख सकते हैं अभी ये ना ईंट कैसे निकल गया था नगर जी। अच्छा अच्छा हाँ हाँ इतना बेटा थोड़ा इसमें पानी डाल वो है भगवान। तो इसको चलिए इसको थोड़ा गीलो मिट्टी करके बना देते हैं। इतने से ये मिट्टी रुकेगा नहीं तो गिरेगा नहीं। ये है पानी इधर लाओ ये है। और उधर देख सकते हमारी धर्म पत्नी जिस क्या कहते खादर छीट के आके सोहनी करे वहाँ पर कौन सी पेड़ लगाइएगा जी उसी में बस रहने उसमें से क्या निकलता है फूल फूल लगाते हैं तो यहाँ भी लगा सकते हैं क्या होगा। अच्छा दिखेगा तो बताइएगा आप लोग भी बताइएगा दोस्तों रोहर का दाल रोहर खाली को फूल लगे पकौड़ी बनला नाचिंग समझ गया समझ गया। चलिए पहले उधर ही लगाइए अभी फ्रंट साइड पे नहीं मैं गया था यहाँ इस फ्रंट साइड पे लगाने के लिए। इधर से देखो बेटा देख सकते कितना सुंदर बना है। तो इस पे बनाने के लिए ना जो गमला में आता है वो कुछ ज़्यादा ही महंगा दे रहे थे 70-80 रुपया और पता ना होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पे बनाते भी हैं तो फिर बकरी वकरी जाती रहती है तो पता चला का और नुकसान। तो इसलिए तुलसी मैया का तो मंदिर उतना ऊपर बनाया कि कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे तुलसी मैया का पौधा बकरी शायद पहचानती है छूती नहीं है सब ना जी। बाकी कोई कोई हो तो देखते हैं मैं चाह रहा हूँ कि और भी यहाँ पे सुंदर चीज़ बनाए तो देखते हैं क्या बना पाते हैं। बाकी चलिए अभी ये वाला जो काम है ना इसको कर देते हैं और उसके बाद ये जो दिख रहा है झांकी लेटा हुआ उसको खड़ा करके जहाँ पे तोड़ी का झेबड़ा चढ़ने वाला है ना बाप इधर बारिश आते ही नहीं इतना चींटी उठी आने लगती है। चलिए ये वाला काम करते हैं देखते हैं बेटा इधर चींटी किधर घुस गई। देख सकते हैं फाइनली अभी आज की काम कितना अच्छा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये अभी ना बारिश आता है उसके बाद गीला हो जाएगा मिट्टी तब लीपेंगे। अभी ऐसी सही है ना जी नगंत जी ऐसी सही है। तो चलिए अभी नेक्स्ट काम क्या करेंगे वो सब नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और आज की ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट द्वारा बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी करिएगा और यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।